सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन 5-स्टार रेटेड गाड़ी है भाई, सेफ्टी के मामले में जानी जाने वाली। और फ्रंट से देखने में इवोक, मतलब कह सकते हैं इसको छोटी इवोक जैसी इसकी पूरी पूरी लुक आती है। तो आज हम करेंगे इसका प्रॉपर एक रिव्यू। रिव्यू के अंदर हम देखेंगे कि भाई गाड़ी के अंदर ये किस प्राइस पॉइंट पे, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है उसमें आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए या इसके अंदर इस सेगमेंट में आने वाली और भी गाड़ियां उनके साथ जाना चाहिए। तो आज जो हम ये देख रहे हैं ये है टाटा नेक्सॉन का XZ प्लस वेरियंट, टॉप से एक नीचे कह सकते हो। इससे ऊपर एक और वेरियंट आता है जिसमें दो तीन फीचर्स और आ जाते हैं, जैसे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हो गए, आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स हो गए, और एक IRA कनेक्टिविटी आती है टाटा की। आप लोगों को पता है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वाले फीचर, जिसमें आप मोबाइल फोन से गाड़ी के काफी सारे फीचर्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। वो की आती है लॉक अनलॉक, अपनी लाइट, और ये अपना बूट अनलॉक। ये देखो आपने करा लॉक, तो लॉक करने पे तो नॉर्मल ऐसी लाइट जलती है। यहाँ पे इसके अंदर DRLs है, टर्न इंडिकेटर इनके अंदर ही है। लाइट्स जलाते हैं एक बारी, तो भाई येलो इसके अंदर लाइट है, लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए भी येलो है, और DRLs अभी ऑन है। आप लोगों को देखो नजर आ रहे होंगे ऐसे ब्लिंक हो रहे हैं, कैमरे में हो रहे हैं बट रियलिटी में नहीं होते, एकदम रियलिटी में ओके रिपोर्ट जल रहे हैं। नीचे की तरफ फॉग लैंप्स आ जाते हैं। एंड अगर आपने ओनरशिप रिव्यू वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भाई ने बताया था भाई की थोड़ी सी गाड़ी लग गई थी। 5-स्टार रेटेड गाड़ी होने के बावजूद ये देख रहे हो आप, लगने पे सिर्फ पेंट उतरा है, ना कहीं से दबी, ना कोई यहाँ से ग्रुप खुला, ना कोई यहाँ से लॉक खुला। तो भाई ये टाटा की गाड़ी लेने का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे को तो ये एक लगता है। बाकी अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है, मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव वाली वीडियो भी डाली अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो फ्रंट से अगर देखेंगे तो आप प्रॉपर भाई ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलेगी गाड़ी के अंदर। टाटा ने ग्लॉसी जो ब्लैक फिनिश होती है, फिर पियानो ब्लैक फिनिश जिसको कहते हैं, उसका और क्रोम का बहुत अच्छा यूज़ करा हुआ। आपको काफी सारी जगह पे छोटे छोटे से ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड फ्रंट की अगर लुक की बात करी जाए तो भाई प्रॉपर आपको ऐसी देखने के लिए मिलती है। नीचे की तरफ ये जो टी शेप का यहाँ पे टाटा का ये लोग डिजाइन आता है, वो उसी के पीछे आपका जो रेडिएटर होता है वो मिल जाएगा। एंड ओवरऑल फ्रंट की लुक भाई कुछ ऐसी है। रियलिटी में बात करूँ तो भाई अगर इसके सेगमेंट में आने वाली, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं XUV 300, वो एक गाड़ी है जो इसकी तरह खूब बड़ी और मैसिव सी लगती है। बाकी गाड़ियाँ ऐसे थोड़ी सी छोटी छोटी सी लगती हैं, चाहे किया सोनेट को देख लो, उन सब के कंपेरिजन में थोड़ी सी गाड़ी बड़ी लगती है। अगर आप यहाँ पे इधर की साइड से देखेंगे प्रॉपर भाई, इस साइड से गाड़ी का जो लुक है काफ़ी अच्छा है। पीछे थोड़ी सी डाउन नीचे स्लोप है, ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स आ जाती हैं। ये आफ्टर मार्केट भाई ने इसके अंदर रेन वाइजर्स इंस्टॉल करवाए जिन पर टाटा का लोगो है। इसमें रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन सिर्फ ड्राइवर साइड आता है, को ड्राइवर साइड नहीं आता। आई पॉप्स इंस्टॉल करवा रखे हैं। एंड यहाँ पे इसके अंदर साइड बीडिंग जो वो क्रोम में इंस्टॉल करवाई हुई है, जो कि काफ़ी ठीक लग रही है। और मेरे हिसाब से अगर इस गाड़ी में साइड बीडिंग अगर कोई ना भी इंस्टॉल करवाए ना, तो ये पोर्शन मेरे हिसाब से ब्लैक वाला साइड बीडिंग का ही काम कर देगा। बट फिर भी अपनी गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए चीज़ करवा लेनी चाहिए। एक बार आपको टायर दिखा देता हूँ भाई, इसके अंदर आपको डुअल टोन कह लो या फिर डायमंड कट आप लोग कह सकते हैं, आपको इसके अंदर वाले टायर मिलते हैं 215/60 R16 इंची का। इसके अंदर आपको अलॉय व्हील आ जाता है और काफी बढ़िया टायर है भाई। टायर की ग्रिप बहुत अच्छी है, हाई स्पीड पे काफी ज्यादा स्टेबल लगता है गाड़ी को, और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, ABS, EBD और फ्रंट 2 एयरबैग्स, और पीछे की तरफ इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स आ जाते हैं। एंड सेफ्टी वाइज तो गाड़ी के अंदर भाई 5-स्टार रेटेड कार है, उसमें तो भाई कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे भाई देखो टाटा अपना प्रॉपर ये भी चिपका के देती है, वोकल फॉर लोकल। तो भाई अपनी टाटा इंडियन कार ब्रांड है, आपको पता होगा। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना, अगेन ब्लैक कलर की, ब्लैक मतलब ग्लॉसी फिनिश में। जो चीज़ मैंने आपसे कही थी कि ग्लॉसी फिनिश का कंपनी ने बहुत जगह पे यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे आपका हाई स्टॉप माउंटिंग लैंप है, ये इसके अंदर स्पॉयलर, ये प्रॉपर LED लाइट्स, एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर प्रॉपर LED लाइट्स हैं। यहाँ पे आपका टर्न इंडिकेटर, रियर पार्किंग लाइट और मतलब रिवर्स गियर वाली जो होती है, और ये पूरी ब्रेक का सेटअप है वाला जो भी कुछ है, ठीक है ना। इसको ऑफ कर देते हैं, और ये जो बटन है इसको आप सिर्फ अगर एक बार ही पुश कर देंगे ऐसे, तो आपकी पूरी गाड़ी लॉक है। सिर्फ ये अनलॉक हो जाता है, इस बटन को दबा के आप खोल सकते हैं, चाहे आपके पास की हो या ना हो, बस एक बार अनलॉक होनी चाहिए। थोड़ा भाई इसके अंदर कवर वगैरह पड़ा उसको माइंड मत करना। और अगर बूट स्पेस की बात करी जाए तो भाई मैं कहूँगा बूट जो है ना इसका, देखो एक चीज़ है बूट को लेके, फ्लैट है बूट, मतलब ज़्यादा झुकना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजीली सामान उठा सकते हो, रख सकते हो, और स्पेस भी ठीक ठाक है, डिसेंट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चार बूट के अंदर यहाँ पे देखो आपको ये भी मिल जाते हैं हुक्स, जहाँ पे आप अपना सामान टांग सकते हैं। एक लाइट है, एंड ये कुछ बाहर निकल रहा है, ये गैस के अंदर भाई, इसके अंदर इसके फ्यूज़ हैं और कुछ नहीं है, सिंपल से कनेक्शन है। तो ये चीज़ निकल रही थी, इसको मैं लगा देता हूँ। लो भाई ये प्रॉपर लग चुका है जैसे निकला था। एंड इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज भाई, बंद करने में और खोलने में बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि हाँ भाई बहुत सॉलिड है गाड़ी। और पीछे से भाई की गाड़ी लग भी गई थी ना, तो यहाँ पे कोई ऐसे निशान भी नहीं गया, पीछे से ठुकी हुई है। दो ही पार्किंग सेंसर है, बट जो है ना इनकी एक्यूरेसी वो बहुत अच्छी है। ये वाला सेंसर पूरा यहाँ तक का सेंस करके बता देता है, और इधर से इधर तक का, और रेस्ट पार्ट जो है उसके लिए वाला सेंसर है। पीछे एक रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन यहाँ पे दे रखा है। नेक्सॉन की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ब्लैक पियानो फिनिश, और दो डिफरेंट कलर की पियानो फिनिश है। एंड ओवरऑल गाड़ी का अगर इधर की तरफ से आप एक साइड प्रोफाइल देख लो भाई, कितनी सही सी लग रही है, स्लीक सी लग रही है। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पे आपको एक ग्रे कलर की फिनिश है, एंड एक नॉर्मल ब्लैक कलर की है, जो कि एक लुक जो है काफी अच्छी बना देती है। एंड ओवरऑल भाई सॉलिडनेस के लिए तो ये गाड़ी जानी ही जाती है।
और आफ्टर मार्केट काम का एक ड्रॉबैक भी दिखा देता हूँ भाई इसके ऊपर। एक तो पहली चीज़ आपको ये रस्टिंग नज़र आ रही होगी, दूसरी चीज़ आगे वाली उतर के ही गिर गई। तो भाई आफ्टर मार्केट जो काम कराओ थोड़ा देख के कराओ, ये सारे पंगे इसके अंदर आ जाते हैं। अब इंटीरियर देख लेते हैं इंटीरियर में क्या क्या मिलता है। अब हम इसको दबाएंगे, ORVM भी अनफोल्ड हो जाता है। एंड ड्राइवर साइड डोर के ऊपर अगर मैं बात करूँ 90 डिग्री तो नहीं खुलता, बट 90 डिग्री से कोई कम भी नहीं है, अच्छे खासे ओपन हो जाते हैं। इंटीरियर का डोर हैंडल क्रोम में है, यहाँ से लॉक अनलॉक, पावर विंडोज के कंट्रोल, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर, 1 लीटर का बॉटल होल्डर और बाकी सारी मैगजीन की स्पेस। स्पीकर जो है इसके बहुत अच्छे हैं, हरमन का इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम आता है जो कि बहुत बड़े साउंड निकालता है। 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट, ये आफ्टर मार्केट इसके अंदर भाई नेक्सॉन की आप कह सकते हैं इसके प्लेट्स लगवा रखी हैं। यहाँ पे टायर प्रेशर लिखा हुआ है, कितने PSI आपको डलवानी है फ्रंट और रियर में वो चीज़। एंड अगर मैं अंदर बैठूं सबसे पहले तो भाई सबसे पहले बैठते ही जो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश स्टीयरिंग व्हील पे मिलती है। सेंटर कंसोल में पूरे में भाई ब्लैक पियानो फिनिश और क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। मैं सबसे पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी की जो साउंड है वो सुना देता हूँ कि भाई कितनी आती है। अभी तो सारे मिरर वगैरह बंद है, मतलब सारे ग्लास जो है वो क्लोज है। देख लो भाई इतनी इसके अंदर आप लोगों को साउंड मिलती है। अब अगर मैं पहले AC ऑफ कर देता हूँ, क्लाइमेट ऑफ ये लिखा हुआ, तो भाई इतनी आवाज़ करती है गाड़ी। मतलब नॉर्मली शीशा खोलेंगे तो भाई देखो इतनी साउंड आती है। कोई मतलब आवाज़ कोई खास नहीं है, मतलब आवाज़ को लेकर मैं नहीं कहूँगा कि कोई किस तरीके की प्रॉब्लम है। अगर हम इधर की साइड देखें तो भाई इधर की साइड आपके ORVMs के कंट्रोल आ जाते हैं, ऐसे इसको 1 सेकंड के लिए होल्ड रखना पड़ता है तो ये फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। उधर का भी देख लो। एंड यहाँ पे हमारा 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, उससे पहले अगर आप ये देखेंगे तो पूरा डिजिटल है। जैसे मैं रेव करूंगा ये चीज ऊपर जाएगी, ये RPM इसके अंदर ये जा रहे, इधर फ्यूल आ जाता है और ऊपर की तरफ आपका हीट एंड कूल है। ये सामने जो छोटी सी स्क्रीन है इसके अंदर आपकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, बट इसका एक ही पंगा है कि जो स्क्रीन है इसके कंट्रोल्स यहाँ पे होते ना तो वो ज्यादा सहूलियत रहती। जैसे मैं अभी चला रहा था और मैंने कहा मुझे अपनी इसके अंदर एवरेज देखना है कितनी दिखाती है, तो मुझे चलती गाड़ी में ये वाले बटन प्रेस करने पड़े, यहाँ से ये वाले। तो भाई इनको प्रेस करके मुझे दिखता है, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। जब मैं इनको ऐसे प्रेस करूंगा तब मुझे ODO अपना एवरेज बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह यहाँ से दिखता है। अगर ये बटन्स कंपनी यहाँ पे लगा देती ना तो थोड़ा सहूलियत रहता इस वेरिएंट में। हालांकि अपर वेरिएंट में तो यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल आ जाता है, इससे ऊपर वाले में ये ब्लैक पियानो फिनिश, ये सारे आपके जो इससे ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो, यहाँ पे आपके AC वेंट, हजार्ड बटन और इसके ऊपर क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा और ये सारे आपके कंट्रोल्स। यहाँ से आप अपना फेवरेट ट्रैक होम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, आगे पीछे करना हो वो सारी चीज़ें। नीचे की तरफ देखेंगे तो अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है इसके अंदर, यहाँ से ऐसे ऑटो दबाएंगे तो ऑटो ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन के अंदर ही आती हैं। एंड अगर आपको AC को अगर कम तेज करना है तो भाई यहाँ से, और AC बहुत इफेक्टिव है भाई गाड़ी का बहुत, यहाँ से आप लोग अपना इस वाले से अपना जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट कर सकते हैं, इस वाले से आप अपना टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये सारे आपके मतलब मोड्स वगैरह चेंज करने हो तो यहाँ से, कि कौन से मोड पे नीचे फैन मतलब हवा कहाँ पर रखनी है आपको, पैरों में या फिर कहीं और। और ये मोड आप लोग सिर्फ इस बटन से ही नहीं चेंज कर सकते, आप लोग ये चीज़ यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये सारे यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल है, बाकी यहाँ से आप ब्लूटूथ, और अगर आपकी गाड़ी ऑन है और पीछे का देखना है तो आप यहाँ से अपना कैमरा एक्टिवेट कर सकते हो। कैमरे की क्वालिटी डिसेंट है, इजीली आपको पीछे पूरा दिखता है। स्टीयरिंग बहुत लाइट है तो इसके साथ आपको टर्निंग मतलब जो कहते हैं ना डायनामिक गाइडलाइंस है वो चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। और आपको एक बारी मैं नीचे दिखा देता हूँ, 6 स्पीड की इसके अंदर ट्रांसमिशन आती है। आप ऐसे इसको देखो, ऐसे पुश करके, ये पुश करा और ऐसे करके आप इसके अंदर रिवर्स गियर लगा सकते हो और 6 गियर इसके अंदर, 6th गियर नॉर्मली ऐसे डल जाता है, ठीक है। ये 3 मोड, इको, सिटी और ड्राइव, आपको पता ही है, बोलती भी है, यहाँ पे लिखा भी आता है सामने की तरफ देखो। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और भाई लिटरली जब ये मोड्स चेंज होते हैं ना इसके अंदर भाई गाड़ी की पावर का अलग ही एहसास होता है। हैंड ब्रेक के अंदर भी भाई बहुत सॉलिडनेस है भाई, जब लगाओ ना मतलब लगता है कि बहुत सॉलिड है। ये आर्मरेस्ट स्लाइडिंग नहीं है, मगर भाई आर्मरेस्ट देख रहे हो कितना टाइट, मतलब कह सकते हैं कि भाई टाटा की गाड़ी हो या फिर मतलब महिंद्रा की हो ना, खोलते ऐसा लगता है कि भाई जान लगाओ। इसके अंदर बहुत अच्छी स्पेस है और स्पेस के साथ यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर भी हैं और इसकी हाँ मतलब यहीं तक स्पेस है, इससे आगे नहीं है नॉर्मली। भाई देखो यहाँ तक स्पेस है, इसके अंदर भी सामान वगैरह रख रखा है, चश्मे वगैरह, चश्मा आप अपना नॉर्मली यहाँ पे भी रख सकते हैं, सनग्लासेस होल्डर यहाँ पे भी मिल जाता है। तो इसको बंद कर देते हैं, प्योर व्हाइट लाइट आती है अंदर की तरफ। वैनिटी में आप लोगों को मिरर, ड्राइवर साइड आप लोगों को डॉक्यूमेंट होल्ड करने के लिए एक स्ट्रिप मिल जाती है, डॉक्यूमेंट होल्डर आप लोग इसको कह सकते हैं। ऐसा कुछ इसका अंदर का इंटीरियर का केबिन है। एक बारी मैं आप लोगों को देखो, आगे वाली जो सीट है मेरे हिसाब से एडजस्ट है आराम से, मैं मतलब प्रॉपर इस पोजीशन में इजीली मैं इस गाड़ी को राइड कर सकता हूँ। ओवरऑल मेरे को इसका जो राइडिंग पोस्चर है इस टाइम एकदम परफेक्ट सेट है मेरे हिसाब से। पीछे बैठ कर दिखा देता हूँ भाई कितना स्पेस मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और पीछे का जो डोर है उसके ऊपर
अगेन ब्लैक कलर की पियानो फिनिश है, चार स्पीकर, चार ट्विटर का म्यूजिक सिस्टम है एंड शायद अपर वेरिएंट में स्पीकर वगैरह थोड़े ज्यादा भी आते हो तो मैं अभी श्योर न्यू मेरे हिसाब से आते हैं। एंड भाई अगर सीट के कंफर्ट की बात करूं तो भाई सीट का कंफर्ट एक बार ही दिखा देता हूं, कैमरामैन कम हियर सब कुछ। भाई मुझे सीट का इसके अंदर कंफर्ट मिल रहा है, ये सीट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके आया था। ये देख रहे हो भाई पूरे पैर आगे तक मैंने सीधे कर रखे हैं, इजीली भाई मेरे को कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं। अगर मैं कंफर्टेबली ऐसे अपना राइड करना चाहूँ ऐसे बैठ के तो ऐसे भी राइड कर सकता हूँ। देखो पीछे मेरे को एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आ जाते हैं, वो भी एक सही चीज़ है। और मेरा सिर टच होने में स्पेस है ऊपर, तो मतलब हेडरूम का भी कोई पंगा नहीं, जैसे पीछे थोड़ा सा स्लोपी है वो चीज़। एंड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स और उसके साथ यहाँ पे कोट हुक, एक हुक यहाँ पे भी दे देती है कंपनी, और वही सेम चीज़ आपको उधर भी है। और अगर पीछे तीन लोगों के बैठने की मैं बात करूँ तो भाई एक बार आना जरा तुम घूम के आना। देखो एक बार हम इधर की तरफ भाई को भी बैठा देते हैं अपने साथ, और ये देखो भाई अभी हम दो बंदे बैठे हुए हैं तो भाई तीसरा बंदा बीच में आ जाएगा। हाँ आ सकता है, हमारे जितना आ जाएगा। अगर हमसे थोड़ा सा हेल्दी होगा तो थोड़ा सा ऐसे पंगा हो सकता है, बाकी अगर कंफर्टेबल राइड करनी है तो भाई इसको खोल लो, इससे बेस्ट कंफर्टेबल राइड कुछ नहीं हो सकती है कि नहीं। यहाँ पे दो अपना मतलब बॉटल होल्डर भी मिल जाता है और पीछे पार्सल ट्रे भी है, वहाँ पे अपना छोटा मोटा सामान। और लॉन्ग राइड के लिए तो भाई ऐसे ही स्पेस गाड़ी के अंदर होना भी चाहिए। और थाई सपोर्ट भाई को काफी अच्छा थाई सपोर्ट मिल रहा है, मेरा थोड़ा सा थाई सपोर्ट थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाइट ज्यादा है तो उस वजह से थाई सपोर्ट में बात है। बाकी ओवरऑल अगर मैं इस गाड़ी के अगर मैं कहूँ कि सेगमेंट के अंदर इस गाड़ी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए तो भाई मेरी भी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी और जिन भाई ने परचेस करी है उनकी तरफ से भी, है कि नहीं भाई? जी बिल्कुल, क्योंकि देखो भाई की फर्स्ट कार है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी रखी हुई थी, फर्स्ट कार के हिसाब से भाई रिकमेंड कर रहे हैं कि ओवरऑल भाई गाड़ी बढ़िया है। क्योंकि देखो जितने फीचर्स आ रहे हैं जो प्राइस पॉइंट पा रही है वो एक चीज है। अब अगर सोनेट को देखा जाए स्पेशली इसके राइवल्स में तो भाई वहां पे सोनेट को अगर आप देखेंगे तो उसकी प्राइसिंग आ जाती है HTX वेरिएंट की, आप लोग मान के चलो जो टॉप से दो टॉप से नीचे GTX, मतलब अगर मैं टेकलाइन में बात करूं तो उसकी प्राइसिंग अराउंड 11,15,16,000 रुपए के आसपास है। ये अपना नोएडा का प्राइसिंग है ये, एंड दिल्ली की प्राइसिंग के हिसाब से ये आई है आपकी 10,55,000, तो मतलब 50-60-70,000 रुपए का डिफरेंस है। उस हिसाब से उसमें फीचर्स भी आ जाते हैं, सनरूफ वगैरह। तो इससे अपर वाला वेरिएंट कितने तक का आ जाएगा, कितना प्राइस का डिफरेंस होगा? अराउंड 1,00,000 का डिफरेंस है। तो भाई 1,00,000 के डिफरेंस पे आपको दो तीन ही चीजें मिलेंगी तो वो चीज भाई को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी, जिस वजह से ये वाला वेरिएंट परचेज कर लिया। पीछे बैठने वालों का स्पेस भी अच्छा और राइड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सच कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा आई होप सो, अगर नहीं लगा तो बता देना और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। और ये जो सीट बेल्ट है ये भी एडजस्टेबल है, एक बार ये दिखा दो, ये थोड़ी सी रह गई, इसको आप ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये किसी काम का फीचर नहीं लगता, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भाई ये एक बार जहाँ सेट हो जाती है ना लाइफ टाइम वहीं रहती है। मेरी बलिनों में भी ये फीचर कभी यूज नहीं करता मैं, करते भाई यूज नहीं कभी नहीं होता। देखा ये मतलब ये सिर्फ थोड़ा ये है कि शॉप वाली चीज है कि मेरी गाड़ी में सीट बेल्ट एडजस्टेबल हो जाए। तो भाई वो बस यही का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, ओके चलो सर चलो।